जयपुर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने टीएमसी चीफ और सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। ममता के गढ़ में पीएम मोदी का वार। मोदी ने हमलों से ममता को किया पानी पानी। छठे दौर के लिए वोट बटोरने की जुगत। पांचवें चरण की वोट प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल की धरती पर दस्तक दी और सूबे के मेदिनीपुर के तामलुक पहुंचे। छठे और सातवें दौर की वोटिंग में वोट बटोरने की जुगत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चुनावी मंच सजा हुआ था। सैकड़ों का हुजूम देखकर मोदी का दिल बाग बाग होता रहा। मंच पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने जब अपने भाषण की शुरुआत की तो टीएमसी की मुखिया और सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी निशाने पर रही। प्रधानमंत्री मोदी ने जब हमलों की बरसात की तो एक के बाद एक हमलों के तीर छोड़ते चले गए। टीएमसी चीफ को मोदी ने कभी स्पीड ब्रेकर तो कभी दमनपंथी की संज्ञा दे दी। आपका अहंकार कहां तक ठहर पाएगा? आपने तो इन्हीं वामपंथियों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। मां माटी और मानुष ने आपको शक्ति दी थी, फिर आप जैसी राम को कहने वालों को जेल क्यों भेजने लगी हो? दीदी इतनी बौखला गई है, कब उन्हें भगवान की बात करना भी खटक रहा है। हालात तो ये है कि जय श्री राम कहने वालों को दीदी गिरफ्तार करवाकर जेल भेज रही है। ये स्पीड ब्रेकर दीदी ने इस चक्रवात पर भी राजनीति करने की भरपूर कोशिश की है। चक्रवात के संबंध में मैंने ममता दीदी से फोन पर बात करने की कोशिश की थी, लेकिन दीदी का अहंकार इतना ज्यादा है कि उन्होंने मुझसे बात नहीं की।